स्वागत है, मैं हूँ प्रिया धीर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 2025 तक 25 शहरों को मेट्रो सेवा देने का प्रयास है। दिल्ली में पीएम मोदी ने 100वीं किसान रेल को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी सरकार की किसानों के साथ बातचीत, केंद्रीय कृषि सचिव ने लिखी चिट्ठी। दिल्ली में किसानों संग चर्चा से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। मुंबई पुलिस का सख्त आदेश, इस साल शहर में कहीं भी नहीं होगी नए साल की पार्टी। ईडी नोटिस पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, बीजेपी को उसकी ही भाषा में देंगे जवाब। स्टीव स्मिथ बने दशक के बेस्ट आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर, एमएस धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। सिंगर कंपोजर एआर रहमान की मां का हुआ निधन। दिल्ली में आज अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिले एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार। स्मृति ईरानी बोली चुनावों के नतीजों से साफ है कि जनता का विश्वास मोदी सरकार के साथ है। बंगाल में ममता बनर्जी का नंदीग्राम यात्रा कैंसिल, आयोजक अखिल गिरी कोरोना संक्रमित। कर्नाटक में कैबिनेट के पास किया गोवध विरोधी अध्यादेश, राज्यपाल के पास भेजा गया। दिल्ली में कोटला मैदान में अरुण जेटली की प्रतिमा का गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनावरण। सुशील मोदी ने कहा जेडीयू बीजेपी वीआईपी के निवेदन पर बने हैं सीएम नीतीश कुमार, सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिले के 12 डीडीसी सदस्य आज लेंगे शपथ। दिल्ली एम्स में शिफ्ट होंगे उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत, 18 दिसंबर को हुए थे कोरोना पॉजिटिव। नए साल के लिए यूपी सरकार की गाइडलाइन, कार्यक्रम के लिए प्रशासन से मंजूरी जरूरी। स्थापना दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय पहुंची प्रियंका वाड्रा, राहुल की विदेश यात्रा के सवाल पर साधी चुप्पी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से अधिक नए मामले आए सामने, 279 लोगों की गई जान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।